हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अभी ईडीसी के सेशन शुरू हो गए हैं, रोज़ एक सेशन आपको आता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आप क्रैश कोर्स से फॉलो कर रहे हो, जिसमें मैंने थियरी डिस्कशन भी किया है, गेट के क्वेश्चंस किए हैं, और साथ में आप बुक स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हो, तो उसके साथ कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ साथ जाते रह रहे हैं, ताकि आपका एक बाई डायरेक्शनल वो बना रहे, ताकि आपकी स्टडी है आप जज भी करते रहो और यहाँ से वीडियोज़ फॉलो करोगे तो आपको एक बूस्ट मिलता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ये सब चीज़ें कवर अप करनी, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोगों ने माइक्रो गेट शुरू किया। तो गेट के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। गेट इन्हीं क्वेश्चन को उठाता है और ऑप्शन चार फ्रेम कर देता है, और आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम्ड मिलते हैं गेट में, ठीक है ना। तो अब देखो, एक क्वेश्चन है, आप पॉज डाउन करो वीडियो को और नोट डाउन कर लो, फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जो भी आगे 15-20-25 मिनट जो भी है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा आपको, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ए न्यू सेमीकंडक्टर, क्या बोल रहा है, एक न्यू सेमीकंडक्टर। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पढ़ रहा हूं चीजें छोटी छोटी एक्सप्लेन करूंगा, तो जो चीजें इससे रिलेटेड आपने पढ़ लिया उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, कुछ चीजें अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो रिलेट करना, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलता हूं तो वो नोट डाउन करना, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी और क्या क्या पूछा जा सकता था आपसे, है ना। तो मैं कुछ फॉर्मूलेज भी डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के केस में आ सकते हैं। ए न्यू सेमीकंडक्टर हैज Nc is equal to 10 to the power 19 per centimeter cube, Nv is equal to 5 into 10 to the power 18 per centimeter cube, and Eg is equal to 2 electron volt. तो अब देखो, यहाँ पे गेट का क्वेश्चन रहता है, ये बुक का क्वेश्चन है, इसीलिए मेंशन नहीं किया है, तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, आपने अगर पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल ईसी। ये कंडक्शन बैंड में नहीं होता, ये एनसी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है एट कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल ईसी। तो जो ईसी होता है, मैंने अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा, ईसी कंडक्शन बैंड नहीं होता है, ईसी मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड होता है, ईसी या ईसी से अबव एनर्जी लेवल सारे कंडक्शन बैंड में होते हैं। बैंड मतलब कई सारे एनर्जी लेवल्स, है ना। तो ईसी मिनिमम एनर्जी लेवल होता है जहां से कंडक्शन बैंड शुरू होता है। तो ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनसी गिवन होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी लेवल ईसी। कितने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, यहां पे पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब कंसंट्रेशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके रह सकता है, जिसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हो कि नहीं, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप कहते हो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भैया, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन टूट के कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वहां पर कुछ जगह होनी चाहिए जहां जाएगा वहां रहेगा। जैसे एनर्जी गैप जो ईजी होता, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वहां डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल ही नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके रह सकता है, एनर्जी वेल्स होते हैं, है ना। तो एनसी एनर्जी लेवल ईसी पे कितने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन जाके रह सकता है, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट एनसी। जब फर्मी एनर्जी लेवल का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वहां पे एनसी आपके पिक्चर में आता है, एनवी भी आपके पिक्चर में आता है, फर्मी एनर्जी लेवल के कॉन्सेप्ट में वहां आता है। जब आपको इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लिखना होता है तो एनसी के टर्म में लिखते हैं, जब होल का कंसंट्रेशन लिखना होता है तो एनवी के टर्म में लिखते हैं ना। तो ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीजें, आप अगर कंफ्यूजन है तो दूर करते रहा करिए। और ये आपका यहां गिवन है, कितना है, यहां लिखते भी जाते हैं 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, मतलब 10 टू द पावर 19 वेल्स हैं एक सेंटीमीटर क्यूब में जहां जाके इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मतलब 10 टू द पावर 19 खाली जगह हैं। तो 10 टू द पावर, अब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, फ्री होगा वैलेंस बैंड से जाके कंडक्शन बैंड में, जो जंप करेगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी टेम्परेचर की वजह से या फोटॉन इंसिडेंट किसी भी वजह से, है ना। नॉर्मल आप सेमीकंडक्टर रखें तो टेम्परेचर की वजह से वो एक्साइट होता है, वैलेंस बैंड से टूट के कहां जाता है कंडक्शन बैंड में। तो वो इन्हीं जो इतने एनर्जी स्टेट्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, इन्हीं में किसी वेल में जाके रहता है वो, ठीक है ना। NV क्या है, इसी तरह से NV जस्ट लाइक NC डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते चलते हैं, आपका आपको रिवाइज होता रहेगा, है ना। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, है ना। तो
आप कई लोग ईसी को समझते हैं कंडक्शन बैंड, वो मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड है जहां से कंडक्शन बैंड शुरू होता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसी कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल ईसी पे ही पाए जाते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए मिनिमम एनर्जी कहां तक, वो जैसे ईसी पे पहुंच जाएगा ईवी से जंप करके तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, तो ईसी तक पहुंचने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको जंप करके कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल ईसी में ही पहुंचते हैं, ठीक है। ज्यादातर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल ईवी, तो जो वैलेंस बैंड होता है वो कहां से, ईवी क्या होता है, वैलेंस बैंड नहीं होता, ईवी हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड होता है, जिसके नीचे जितने एनर्जी लेवल्स हैं दे ऑल आर इन वैलेंस बैंड, तो ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है वैलेंस बैंड का ईवी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, इसके बिलो जितने एनर्जी लेवल हैं दे आर इन वैलेंस बैंड, है ना। तो जो एनवी होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल ईवी, क्योंकि होल जो पाए जाते हैं वो वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल ईवी पे आपके नॉर्मली पाए जाते हैं ना, तो वहां पे भी भाई होल को रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किससे रिप्रेजेंट होता है, एनवी से होता है, और यहां पे गिवन कितना है 5 into, तो मेरे क्रैश कोर्स में भी मैंने ये सब चीजें एक्सप्लेन करी हैं आपको ब्रीफली, तो आपको आइडिया लग जाएगा जब बुक और क्रैश कोर्स आप पढ़ोगे, ठीक है। 5 into 10 to the power 18 पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब क्या कह रहा है, एनर्जी गैप इजी आपका गिवन है, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ते हो एनर्जी गैप इजी इज नथिंग बट 2 electron volt, है ना, एनर्जी गैप इजी गिवन है 2 electron volt, है ना। यही एनर्जी गैप आप डिसाइड करते हैं, अगर बेसिक्स लेक्चर आपने देखा होगा मेरे क्रैश कोर्स में, तो एनर्जी गैप इजी ही डिसाइड करता है एक डिफिनीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर डिवाइडेड, है ना, इसके बेसिस पे भी सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और क्या होते हैं इंसुलेटर डिफाइंड होते हैं, ये भी एक पैरामीटर होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें जज कर लेते हैं। फर्मी एनर्जी लेवल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आप मॉस्फेट में जाओगे जब मास कैपेसिटर या बाकी चीजें पढ़ोगे तो वहां फर्मी एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर लोगे, आप बेसिक्स ध्यान नहीं देते हैं, जब उसका यूज कहीं आता है तो आप उसको डिस्क्रीटली पढ़ते हो, इसलिए आप कई बार परेशान रहते हो, है ना, तो जो छोटी छोटी चीजें उस पर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है। इजी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही एक रिप्रेजेंटेशन का एक यूनिट है, जैसे जूल होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी मैंने क्रैश कोर्स में डिस्कशन किया, देखिएगा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज डोप्ड विद 10 to the power 17 डोनर एटम्स, मतलब ये किस टाइप का है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपको मिल रहा है, एक सेमीकंडक्टर है जिसमें एनवी एनसी इजी इतना है, उसको आपने डोप्ड कर दिया, तो पहले तो प्योर सेमीकंडक्टर था, यहां तक जो इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट प्योर सेमीकंडक्टर, नाउ इट इज डोप्ड, और डोपिंग क्यों की जाती है, इसका रीजन आपको पता होगा, कंडक्टिविटी नॉर्मली बढ़ाने के लिए डोपिंग आपको करनी पड़ती है ना, तो एनडी से आपने डोप्ड कर दिया 10 to the power 17 पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने डोनर एटम्स, और आपको पता होगा अगर डोनर या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है किसी प्योर सेमीकंडक्टर में तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो जाते हैं, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एन नॉट का कंसंट्रेशन इसी डोनर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 10 to the power 17 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्लियर इतनी बात। और यहां देखो फुल्ली आयनाइज्ड, फुल्ली आयनाइज्ड का क्या मतलब, आपको पता होगा जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो या डोनर टाइप इंप्योरिटी ऐड करते हो उसके 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं सेमीकंडक्टर के, आपका जैसे सिलिकॉन हुआ या जर्मेनियम उनके एटम के साथ, नेबर रिंग एटम के साथ, 5वां इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल पे होता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को फ्री होकर कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो 5वें इलेक्ट्रॉन हर एक डोनर एटम अपने 5वें इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है कंडक्शन बैंड में, तो आपके पास हर डोनर एटम के करिस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन आपको चला जाता है कहां पे, कंडक्शन बैंड में। तो अगर एनडी डोनर एटम्स हैं तो अगर सारे आयनाइज हो गए, आयनाइजेशन का मतलब डोनर लेवल आयनाइजेशन, ये भी मैंने क्रैश कोर्स में बताया, तो डोनर लेवल आयनाइजेशन होने का मतलब डोनर का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का 5वां इलेक्ट्रॉन है, वो आपके
कहां चला जाएगा, फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में आते हो फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। और एनडी अगर डोनर एटम्स है, सारे एनएच हो गए, तो इतने एक सेंटीमीटर क्यूब में है, सब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में देंगे तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक सेंटीमीटर क्यूब में, 10^17 जितने डोनर एटम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डोनर एटम के कंसंट्रेशन के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। एग्जैक्ट कंसंट्रेशन तो स्लाइटली ग्रेटर देन एनडी होता है, लेकिन एनडी प्लस डेल्टा एन होता है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, बट दैट डेल्टा एन इज नॉर्मली वेरी वेरी स्मॉल, उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज भी मैंने वहां डिस्कस करी है, एग्जैक्टली है ना। तो आप मैक्सिमम केस में ये ले सकते हो, इसमें कोई गुरेज नहीं है ना। तो अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया तो एन टाइप बनेगा और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन होगा, और उसका कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, डोनर के कंसंट्रेशन एनडी के बराबर होगा। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है फॉर श्योर। इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ते मुझे पता चल जानी चाहिए थी। फिर क्या पूछा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन, होल्स कंसंट्रेशन एंड इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन। यहां इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन नहीं दिया है और डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर दिया है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन तो मुझे यही पता चल गया, अब मुझे होल और इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन चाहिए और टेम्परेचर गिवन है ना। तो जब भी आप डोपिंग करते हो तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, और डोपिंग करने पे अगर आपने केवल एन टाइप डोपिंग करी या डोनर टाइप तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सेप्टर की डोपिंग करी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दोनों की डोपिंग करी तो जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग एन टाइप या पी टाइप बनेगा, कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर जो मिलता है, मैंने पिछले एक किसी सेशन में डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो अब ये तो एन टाइप बन गया, एन नॉट मुझे पता चल गया। अब अगर मुझे एन आई पता होता, क्योंकि टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि दे दिया है कि 627 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको बताना है, तो डोनर का कंसंट्रेशन तो एनडी ही है, वो तो नहीं चेंज हो रहा है, जितने डोनर मिला दिए और उसी के कंसंट्रेशन के बराबर अगर वो सारे आयनाइज हो गए, उसी के कंसंट्रेशन के बराबर आपका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो गया। अब अगर मैं मास एक्शन लॉ लगाऊं, क्योंकि टेम्परेचर तो ये इस टेम्परेचर तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया 627, तो इस पे मास एक्शन लॉ मैं लगा सकता हूं, तो मास एक्शन लॉ एन नॉट इनटू पी नॉट इज इक्वल टू एनआई स्क्वायर होगा। तो यहां से मैं नॉर्मली मास एक्शन लॉ किस लिए यूज करते हैं, मैंने बताया भी है, क्रैश कोर्स अगर आप देखोगे वीडियोस तो उसमें पता चलेगा है ना, और बुक से भी फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। मॉनली मास एक्शन लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम पे यूज करते हैं, और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है मैंने समझाया है ना, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो और साथ में कोई ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन ना हो डिवाइस के ऊपर, कोई आपका वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल सोर्स ना लगा हो, तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो मैं मास एक्शन लॉ यूज कर सकता हूं कि एन नॉट इनटू पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, मैं कर सकता हूं, लेकिन एन नॉट तो मुझे पता है, अब एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन में निकाल सकता हूं, यहां पी नॉट भी अननोन है, दैट इज होल कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एनआई दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, वो भी अननोन है। तो यहां पे जो मेन मुद्दा है एनआई निकालने का है, मास एक्शन लॉ से तो होल का कंसंट्रेशन निकल आएगा, तो यहां एनआई पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, यही डेटा देके सीधे कहता कि व्हाट इज द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सेमीकंडक्टर, यही पूछ लेता एक नंबर में है ना, या पूछ लेता व्हाट इज द होल कंसंट्रेशन इन गिवन सेमीकंडक्टर, यही इंफॉर्मेशन देके, तो ये दो नंबर का हो जाता, क्योंकि पहले आपको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन निकालना पड़ता, एन नॉट आपको पता है, तब आप मास एक्शन लॉ यूज करके होल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर पाते। तो क्वेश्चन को सोचा करिए ध्यान से, अब देखो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन मुझे कहां से मिलेगा, अब एक दो फॉर्मूले जो आप पढ़े होंगे, अब मैंने भी शायद क्रैश कोर्स में कवर किया है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो डोप्ड सेमीकंडक्टर हो, चाहे अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, एक जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इन ए सेमीकंडक्टर, और ये फर्मी लेवल वाले कॉन्सेप्ट में मैंने इस चीज को डिस्कस किया, इस फार्मूले को, तो देखो उस फार्मूले को मैं फिर से लिखता हूं, फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट जहां मैंने पढ़ाया वहां ये इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन का जनरल फार्मूला, इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनसी एनवी, तो यहां आपको एनसी और एनवी ऐसे फालतू में नहीं दिया है, इसीलिए दिया है बेटा है ना। तो अब देखो एनसी इंटू ई टू द पावर माइनस माइनस बाहर ईसी माइनस ई एफ अपान के टी, जहां ई एफ क्या है, फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल, और होल का कंसंट्रेशन पी है ना, चाहे वो एन टाइप मेटीरियल हो, चाहे पी टाइप मेटीरियल हो, चाहे इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर हो, उस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इस फार्मूले से निकाल सकते हो, होल का कंसंट्रेशन इस फार्मूले से निकाल सकते हो, किसी में आपको बस फर्मी लेवल पोजीशन पता होनी चाहिए करेस्पॉन्डिंग सेमीकंडक्टर में, आपको वो पता होना चाहिए, ये होता है आपका क्या ई एफ
माइनस ईवी अपान के टी। ये जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये जनरल फार्मूले हैं इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन के इन एनी सेमीकंडक्टर, वेदर इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेदर इट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन निकालना हो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। आपको कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल पता होना चाहिए, ईएफ पता होना चाहिए, वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल ईवी पता होना चाहिए, टेम्परेचर तो पता होना चाहिए और एनसीएन भी पता होना चाहिए। चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन इन दोनों जनरल फार्मूले से निकाल सकते हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, उसमें भी एन की वैल्यू इज इक्वल टू एनआई, यहां से जो आएगा वो एनआई के बराबर आएगा, पी जो आएगा वो एनआई के बराबर आएगा। अब देखो किसी भी सेमीकंडक्टर में चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, एट थर्मल इक्विलिब्रियम आप कहते हो ना एन इंटू पी इज इक्वल टू एनआई स्क्वायर। At a constant temperature, you can say that in any semiconductor, whether it is n type, whether it is p type, n into p is equal to ni square. ये हमेशा आप कह सकते हो, क्योंकि n is equal to p is equal to ni होता है in intrinsic semiconductor, तो n ni रख दो, p ni रख दो, तो ni square आ जाएगा बराबर। ये intrinsic के लिए भी satisfy करता है और as well as extrinsic के लिए, तो ये आप कह सकते हो। और ये दोनों मैंने बताया general formula हैं for electrons concentration and holes concentration in extrinsic as well as intrinsic semiconductor। तो मैं यहां रख दूं, ये कोई भी किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, एन टाइप पी टाइप, तो एन की वैल्यू तो यही होगी एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपान के टी, है ना, इनटू एन वी ई टू द पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी अपान के टी, है ना, इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहां ध्यान से एन सी इंटू एन वी आपको ये गिवन है, NCN भी गिवन है। अब देखो यहां से क्या आएगा, e की पावर माइनस, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस ईएफ, यहां से माइनस ईएफ कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा माइनस ऑफ ईसी, है ना, माइनस ऑफ ईसी माइनस ईवी अपान केटी इज इक्वल टू एनआई स्क्वायर आएगा कि नहीं। और ईसी माइनस ईवी क्या होता है, एनर्जी गैप ईजी होता है, ईसी यही तो होता है एनर्जी गैप। अगर देखो ध्यान से ईसी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ या लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, इसके ऊपर पूरा कंडक्शन बैंड। ईवी इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, इसके नीचे पूरा वैलेंस बैंड है, और इन दोनों का डिफरेंस यही तो आपका एनर्जी गैप है, ईसी माइनस ईवी इज द एनर्जी गैप ईजी। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा फार्मूला, एनसी एनवी इंटू ई की पावर माइनस ईजी अपान के टी इज इक्वल टू क्या, एनआई स्क्वायर। तो यहां से देखो एनआई इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन का एक फार्मूला आ गया, NC NV e की पावर माइनस ईजी अपान टू के टी, अंडर रूट लेंगे तो ईजी अपान के टी टू के टी हो जाएगा, वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, क्योंकि e की पावर माइनस ईजी अपान के टी की पावर वन बाई टू और ईजी अपान के टी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। तो ये एक NI इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन का फार्मूला आ गया, ठीक है ना, ये फार्मूला आ गया। तो अब अगर ध्यान से देखो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन किसी एन टाइप या पी टाइप या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहीं पे भी निकालना हो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। क्या पता होना चाहिए उस सेमीकंडक्टर के लिए, एनसी एनवी इजी पता होना चाहिए और टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको नोन है कि नहीं, एनसी गिवन है, एनवी गिवन है, इजी गिवन है, टेम्परेचर टी, बट दिस टेम्परेचर टी इज इन व्हाट, केल्विन। आप क्या यूज करोगे, केल्विन में यूज करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब एक चीज और मैं बता दूं, आपने एक फार्मूला एनआई का क्या पढ़ा था, देखो मैं रिलेट कर देता हूं, एनआई का एक फार्मूला पढ़ा होगा ए नॉट, है ना, टी की पावर थ्री बाई टू ई की पावर माइनस ईजी अपॉन टू के टी, आपने पढ़ा है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये देखो कहां से आता है, यही फार्मूले से आता है। देखो ईजी अपॉन टू के टी वाला टर्म आ चुका है। अब अगर मैं बताऊं एनसी की वैल्यू अगर होती है, अगर आपने पढ़ा होगा 2 पाई एम एन के टी अपान एच स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई टू, और एनवी की वैल्यू होती है, ये कंप्लीटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एम पी के टी अपान एच स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई टू, जहां पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अंडर रूट एनसी एनवी देखो क्या आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो कैसे ये फार्मूला आ रहा है, अंडर रूट एनसी एनवी। तो देखो एनसी इंटू एनवी करोगे, टी की पावर थ्री बाई टू इंटू टी की पावर थ्री बाई टू क्या आ जाएगा बेटा, टी की पावर थ्री, और उसका अंडर लोगे तो टी की पावर थ्री बाई टू आई गया, ठीक है, टी की पावर थ्री बाई टू तो यहां से आई गया, क्लियर इतनी बात। अब बाकी चीजें क्या आएंगी, बाकी चीजें देखो क्या आएंगी, के कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, टू पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट,
एच कॉन्स्टेंट है, टी को आपने बाहर ले लिया अंडर रूट में, टी की पावर 3/2 दोनों के प्रोडक्ट से आया टी की पावर 3, वहां से टी की पावर 3/2। तो आप देखो एक कॉन्स्टेंट मैं ले लेता हूं क्या, ए नॉट जो यहां पे आता है बार बार, क्या आ गया वो कॉन्स्टेंट ए नॉट अंडर रूट ऑफ 2 × 2πmnk/h² × 2 × 2πmp/k/h² है ना, mnmp छोड़ देना, 2 × 2πk/h² एक जगह से, 2 × 2πk/h² दूसरे जगह से ना, वो a नॉट हो गया। a नॉट अभी नहीं हुआ, एक मिनट ये मैं लिख लेता हूं, रुक जाइए। a नॉट, हाँ a नॉट क्या हो गया, जहां पे a नॉट देखो अगर ध्यान से है तो मैं इसको ब्रेक करूं तो देखो 2 × 2πmnk/2 × 2πk/h² अगर मैं एक साथ करूं तो अगर 2 × 2πk/h² 2 × 2πk/h² ऑब्वियसली पावर 3/2 है, तो उसका जब अंडर रूट लेंगे, ये दो बार आया हुआ है तो अंडर रूट कैंसिल, बचेगा क्या 2 × 2πk/h² 3/2 बचेगा, 2 × 2πk/h² 2 × 2πk/h² दोनों जगह से, तो दो बार आया हुआ है, दोनों प्रोडक्ट अंडर रूट लेने के बाद एक बार बच जाएगा वो, ठीक है। और क्या बचेगा, यहां से mn की पावर 3/2, यहां से mp की पावर 3/2 है, प्रोडक्ट में आएगा mn की पावर 3/2 × mp/3/2 और उसका जब अंडर रूट लेंगे तो आएगा mn × mp/3/4 आएगा कि नहीं, 3/2 × 1/2 ये आ जाएगा कि नहीं। तो अब अगर ध्यान से देखो, इसको मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी कि a नॉट क्या होता है, मैटेरियल कांस्टेंट होता है। देखो ये तो k, h, 2π2 ये सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट आएगा, लेकिन mn और mp जो इस फॉर्मूले में आते हैं, mn इज नथिंग बट द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mp इज नथिंग बट द इफेक्टिव मास ऑफ होल, है ना, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफेक्टिव मास ऑफ होल इन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास होता है वो अलग अलग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 10⁻¹⁰⁰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 
कांस्टेंट हो, इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो वो चेंज होता है। तो ये जो MN और MP होते हैं, ये अलग अलग जो आपके मटेरियल्स होते हैं उनमें इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, उसमें बहुत ही स्मॉल वेरिएशन होता है। अब उस वेरिएशन को अगर आप निग्लेक्ट कर दो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फिर कॉन्स्टेंट मान सकते हो, लेकिन एक्चुअली उसमें स्मॉल वेरिएशन रहता है। और वैसे भी अगर कोई चीज बहुत स्मॉल है, जैसे मैं कहूं 1 मीटर में अगर कहूंगा 1 सेंटीमीटर का चेंज हुआ, तो वो चेंज थोड़ा सा स्मॉल है, 1% का चेंज, 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर चेंज। मैं कहूं 1 मीटर में 1 माइक्रोमीटर का चेंज हुआ, दैट इज वेरी 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 स्मॉल, क्योंकि 10^-6 एक माइक्रोमीटर में 10^-6 मीटर बहुत कम है, तो 1 माइक्रोमीटर का चेंज 1 मीटर में नहीं दिखेगा। लेकिन मैं कहूं 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर का चेंज तो दिखेगा, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं कहूं 1 मीटर में 1 माइक्रोमीटर का चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कहूं मेरे पास 10 माइक्रोमीटर लेंथ है, उसमें 1 माइक्रोमीटर का अगर मैं चेंज कहूं तो ये चेंज दिखेगा। 10 माइक्रोमीटर में अगर 1 माइक्रोमीटर का चेंज करोगे तो वो 10% का चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज है, जबकि 1 मीटर में 1 माइक्रोमीटर का चेंज निग्लिजिबल है। तो जो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो उसमें अगर कोई स्मॉल चेंज भी होता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, वो परसेंटेज चेंज के टर्म में देखोगे तो वो सफिशियंट होता है, सब्सटेंशियल होता है, तो उसको काउंट में लेना पड़ता है। इसीलिए ये A0 यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, क्या होता है, ये मटेरियल कांस्टेंट होता है। जैसे यहां आ गया ना, NCNV की वैल्यू यहां रख दो तो यही फार्मूला आ जाएगा आपका NI का। तो इसमें ये चीज तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, K यूनिवर्सल कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई, लेकिन ये MN into NP जो है वो अलग अलग मटेरियल में थोड़ा थोड़ा अलग होगा, तो उसकी वजह से जो A0, लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए MN और NP तो एक फिक्स वैल्यूड होंगे, तो उस मटेरियल के लिए A0 कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट तो होगा लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिलिकॉन के लिए MNNP की वैल्यू फिक्स है, जर्मेनियम के लिए MNNP की वैल्यू फिक्स तो है, लेकिन इस सिलिकॉन वाली वैल्यू से अलग है, तो उसके लिए उस A0 कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी, सिलिकॉन के लिए अलग होगी। आप होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको देखनी है ना, तो यहीं से यह फार्मूला आया है, यहीं से यह वाला जो रिलेशन आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो कि NI इतना होता है तो ये आ जाता है, ठीक है। अब यहां से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, NI मिल जाएगा तो मुझे होल का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, तो अंडर रूट NCNV गिवन है, NC की वैल्यू कितनी है, 10^19
इंटू 10 की पावर कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर कितना है 18, 5 इंटू 10 की पावर क्या है 18 है एनवी की वैल्यू। e की पावर माइनस ई जी कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 अपॉन 2 इंटू के टी, 2 अपॉन 2 इंटू के टी। अब देखो टेम्परेचर का रोल आ गया, अब ऑब्वियसली e की जो पावर होगी, e की पावर वो यूनिटलेस होती है, तो अगर Eg आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 2 kT की वैल्यू भी, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, kT की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी पड़ेगी। और आपको एक चीज पता होगी, kT अपॉन Q इज इक्वल टू नथिंग बट क्या होता है, kT अपॉन Q क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो kT अपॉन Q एक तरह से आपका क्या होता है, थर्मल वोल्टेज होता है, आपका क्या होता है थर्मल वोल्टेज, अगर आपने पढ़ा होगा। और मैंने ये चीज और भी बताई थी, अगर थर्मल वोल्टेज आपको वोल्टेज में पता हो, वोल्ट में पता हो किसी भी गिवन टेम्परेचर टी पे, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, क्या आप सीधे सीधे बेटा क्या निकाल सकते हो, अगर ध्यान से यहां पे देखो, आप सीधे सीधे KT की वैल्यू, अगर Q इंटू थर्मल वोल्टेज अगर मुझे पता हो, इन वोल्टेज थर्मल वोल्टेज होता है ये स्टार्टिंग में भी मैंने कैश फॉर्म में, अगर ये वोल्ट में है तो KT की वैल्यू Q इंटू थर्मल वोल्टेज, जितना वोल्टेज में वोल्ट में है उतना ही KT की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। अगर मैं कहूं थर्मल वोल्टेज 2 वोल्ट है तो KT की वैल्यू जो कि Q इंटू थर्मल वोल्टेज है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अगर मैं कहूं थर्मल वोल्टेज की वैल्यू 1.5 वोल्ट है तो KT की वैल्यू Q इंटू जो कि थर्मल वोल्टेज वोल्टेज वोल्ट में होना चाहिए, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट टू क्या, थर्मल वोल्टेज अगर वोल्ट में गिवन है तो जो मैग्नीट्यूड है थर्मल वोल्टेज का वोल्ट में, उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर KT की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, क्रैश कोर्स में जाके देखना, तो ये चीजें बहुत यूजफुल होती हैं, क्योंकि आपको यहां KT की वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ऊपर इजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो आप Q इनटू थर्मल वोल्टेज अगर मुझे वोल्ट में पता चल जाए तो मैं KT की वैल्यू जितना थर्मल वोल्टेज वोल्ट में है उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। KT इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल वोल्टेज इन वोल्ट, है ना, इतना आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कहां से आएगा KT का, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल वोल्टेज, लेकिन यूनिट क्या होनी चाहिए, वोल्ट, कहूं 2 वोल्ट, मैं कहूं 200 मिली वोल्ट है थर्मल वोल्टेज, तो पहले मैं वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा 0.2 वोल्ट, और 0.2 वोल्ट अगर इसकी यूनिट वोल्ट आ गई तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ 0.2, तो 0.2 लूंगा, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है KT, हमेशा ध्यान रखना इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है KT। अब इसको मैं रब कर देता हूं, ये कहां से आया, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया ताकि आप जो चीजें पढ़े हो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अब देखो यहां से टेम्परेचर आपको गिवन है, कितना आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, 627 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि यहां टेम्परेचर टी किसमें है, केल्विन में है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा +273 केल्विन, तो कितना आ जाएगा 7 3 10 7 2 9 1 10, है ना, 7 2 9 1 10, ठीक है, 627 डिग्री दिया है, 6 2 8 1 900 केल्विन, ठीक है, 627 प्लस 273 हो गया आपका 900 केल्विन, ठीक है। अब अगर आपको पता होगा KT अपॉन Q की वैल्यू होती है 26 मिली वोल्ट या 0.026 वोल्ट एट T is equal to 300 केल्विन, आप थोड़ा बहुत यूज करो दिमाग, ना कि वोल्टमैन कांस्टेंट Q और टेम्परेचर T रख के आंसर निकालो। अब देखो क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो अपने हिसाब से, ये बहुत जरूरी है। KT अपॉन Q की वैल्यू मुझे पता होती है वोल्ट में, स्टैंडर्ड वैल्यू रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे 0.026 वोल्ट होता है, ये मुझे पता है, इसका मैं बेहतरीन यूज करूंगा, तो जो आपके टूल्स ऑलरेडी आपको पता है, अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे लेकिन टाइम ज्यादा लगाओगे हमेशा, है ना। मैं तो इतना एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन होता तो 2 मिनट में करके कब का कर चुका होता, है ना। तो देखो KT अपॉन Q की वैल्यू जो थर्मल वोल्टेज की, ये आपको पता है, तो यहां पे देखो T की जगह कितना आ गया 900 केल्विन, तो जब यहां T 300 केल्विन था तो K अपॉन Q इंटू 300 केल्विन एक तरह से आपका था 0.026 वोल्ट, क्योंकि मुझे वोल्ट में चाहिए, तब KT की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो KT Q इंटू वोल्टेज, ऑब्वियसली Q इंटू V एनर्जी होता है, और उसकी यूनिट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेनी है तो Q इंटू अगर थर्मल वोल्टेज वोल्ट में है तो सिंपली जो इसका मैग्नीट्यूड होगा थर्मल वोल्टेज का वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में KT की वैल्यू का, है ना, ठीक है। तो यहां पे देखो तो K अपॉन Q इंटू 900 अगर मुझे करना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 3, इसी में तो करना है, तो देखो 3 इंटू
0.026 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं। तो 6 3 18, 3 2 6 1 7, तो 0.078 वोल्ट। तो KT की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, KT अपॉन Q एट 900 केल्विन इज नथिंग बट 0.078 वोल्ट। तो KT की वैल्यू 900 केल्विन पे कितना हो जाएगा, 0.078। अगर ये वोल्ट में दिया है KT अपॉन Q, तो 0.078 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। Q इंटू वोल्ट आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो सीधे सीधे। तो अगर थर्मल वोल्टेज मुझे VT पता हो वोल्टेज में, तो KT की वैल्यू उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है जो वोल्टेज में मैग्नीट्यूड है थर्मल वोल्टेज का। सिंपल सी बात, KT की मैं यहां वैल्यू रख देता हूं 2 इंटू कितना 0.078। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, यहां से आपको NI मिल जाएगा। मैं कैलकुलेशन करने नहीं जा रहा हूं, यहां से जैसे NI मिलेगा आप मास एक्शन ला लगा के N नॉट इंटू पी नॉट इज इक्वल टू NI स्क्वायर कर लेना। यहां से पी नॉट आ जाएगा NI स्क्वायर अपन N नॉट। N नॉट आपको ऑलरेडी पता है कितना, इतना NI यहां से आ गया, पी नॉट आपका निकल आएगा, है ना। तो यहां से दो नंबर का क्वेश्चन एक आपको आ सकता था, कैसे, आपको सीधे ये इंफॉर्मेशन देते ये कि ये डोप्ड किया गया, फाइंड आउट द होल्स कंसेंट्रेशन। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि NI कहां से निकालोगे, NI निकालते देन यूजिंग मास एक्शन ला आप N नॉट इंटू पी नॉट इज इक्वल टू NI स्क्वायर करके ये रिलेशन निकालते। तो इसमें मेन था जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसेंट्रेशन इन एनी सेमीकंडक्टर, वेदर इट इज N टाइप, वेदर इट इज P टाइप, वेदर इट इज इंट्रिंजिक, है ना। और उस फार्मूले से NI कैसे आता है NCNV के टर्म में, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और यही NCNV से आपका A नॉट E की पावर माइनस, जो ये वाला फार्मूला NI का आता, मैंने रब कर दिया, A नॉट E की पावर माइनस EG अपॉन 2KT इनटू T की पावर 3/2, ये यहीं से वो फार्मूला जनरेट होता है ना। तो वही अंडर रूट NCNV E की पावर माइनस EG अपॉन 2KT। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अब अगर ध्यान से देखो NC and NV आर आल्सो द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। ये NC और NV की जो मैंने वैल्यू लिखी थी, आप उस फार्मूले से ध्यान से देखो, तो NC और NV डिपेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए ओनली ऑन टेम्परेचर, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए बाकी चीजें 2 पाई mn k h स्क्वायर सारे कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए तो mn और np भी कांस्टेंट है। तो nc और nv निकालते वक्त 2 पाई mn mp k h स्क्वायर सारे कांस्टेंट है, बचा क्या टेम्परेचर। तो ये इफेक्ट प्योरली टेम्परेचर का फैक्टर है, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चेंज होगा, टेम्परेचर फिक्स है तो ये फिक्स होंगे, ठीक है। और एनर्जी गैप इजी में डिपेंड करता है NI, और EG भी फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर अगर फिक्स है तो एनर्जी गैप फिक्स है, तो ये और टेम्परेचर T, तो यहां भी T का। तो NI प्योरली किसका फैक्टर हो गया, टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो NI कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएंगे, EG कांस्टेंट हो जाएगा, KT। और टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी गैप EG घटता है, तो EG भी प्योरली टेम्परेचर का फैक्टर होता है, ठीक है। EG भी किसका, टेम्परेचर। तो NI इज प्योरली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे NI बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पे NI घटता है, ये श्योर है ना। तो क्रैश कोर्स में मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया, आप बुक से भी देखेंगे तो वहां मिलेगा। लेकिन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जिनको आपको दिमाग में रखना चाहिए, जिनसे रिलेट करके कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने की भी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ। और एक एक चीज इंपॉर्टेंट है कि थर्मल वोल्टेज KT अपॉन Q, अगर आपको वोल्टेज में पता है, वोल्ट में उसकी मैग्नीट्यूड कितना है पता है, कि 2 वोल्ट है, कि 3 वोल्ट है, कि 1.5 वोल्ट है, कि 0.026 वोल्ट है, तो KT की वैल्यू जितना वो वोल्ट में है उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट KT की वैल्यू हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू। KT इज इक्वल टू नथिंग बट Q इंटू थर्मल वोल्टेज होता है। और अगर थर्मल वोल्टेज में वोल्ट में लिख दूं, तो उसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज वोल्ट में लिखने के बाद जितना मैग्नीट्यूड है वो उठा लूंगा, उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट KT की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने फर्मी एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त, या जहां भी थर्मल वोल्टेज का आई थिंक कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त ये चीज मैंने शायद डिस्कस करी है आपके क्रैश कोर्स में, तो वहां से देखना आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। और ये छोटी छोटी चीजें आप नहीं, अब 300 केल्विन पे स्टैंडर्ड वैल्यू मुझे याद है, और 900 केल्विन इज नथिंग बट 3 टाइम्स, तो K तो कांस्टेंट है वोल्ट्स में, क्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर ही तो चेंज हो रहा है, 300 से 900 3 टाइम्स, तो वोल्टेज भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करने आनी चाहिए, तो इजिली कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट आपके एग्जाम में चेक होते हैं, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा एस्पेक्ट चेंज होता है, सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं कि आप कितना जो आपके टूल्स हैं, जो चीजें पढ़ी हैं, इफेक्टिवली यूज करते हो। इसीलिए क्वेश्चन करने के बाद जो जो चीजें तुमने करी, कैसे यूज करी, क्यों करी, इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट था, रिकॉल किया करो, तो आपके
क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट का यूज समझ में आने लगेगा। जब यूज समझ में आने लगेगा तो आप क्वेश्चन पढ़ते बहुत सारी चीजें स्ट्राइक करेंगे। तो बाई डायरेक्शनल जो मैं कहता हूं पढ़ाई करना शुरू करो, वो शुरू कर दो, बहुत फायदा करेगा, है ना। हमेशा जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसको पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो कहां कैसे आता है, कैसे मैंने यूज किया, रिकॉल किया करो उसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे बेटा, एक नए क्वेश्चन के साथ कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आप क्रैश कोर्स प्लस स्ट्रीटमैन फॉलो करते रहिए। स्ट्रीटमैन के केवल आपको एग्जांपल्स देखने हैं, वो भी जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके, सारे नहीं। तो स्ट्रीटमैन पढ़ते पढ़ते ही पागल हो जाओगे, बहुत अच्छी बुक है लेकिन इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं पढ़नी, ठीक है। तो जो चीजें जरूरी है उनको पढ़िए और सॉल्व एग्जाम्पल उस पर बेस्ड है तो करिए, अनसॉल्व ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के वो, क्योंकि एक ओवरऑल बुक है, वो गेट एग्जाम के लिए लिखी गई बुक नहीं है। तो अलग टाइप के क्वेश्चन अननेसेसरली करोगे तो गेट एग्जाम के प्रिपरेशन नहीं होगी। तो आप गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो क्रैश कोर्स में गेट के क्वेश्चन है उनसे भी आपको बहुत आइडिया मिलेगा, बाकी यहाँ जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको अच्छे प्रिपरेशन होने लगेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन ट्राई करना, वो गेट के हिसाब से फ्रेम किए जाते हैं, तो आपको गेट की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, ओके। थैंक यू वेरी मच।